और आपको दिखाते हैं वेटेस्ट प्लेस इन अर्थ। कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है, मतलब वर्ल्ड में सबसे लंबा केव है। फाइनली हम लोग तैयार हो चुके हैं। ये वो जगह है जहाँ पर हम लोग रुके थे, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आज मैं ये जो आप भाषा देख रहे हैं इसको थोड़ा परिवर्तित करके आपसे वार्तालाप करने का प्रयास करूँगा। जल्द ही वर्षा हो सकती है यहाँ पर, और कुछ भी कहा नहीं जा सकता यहाँ का मौसम। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं इस गाँव के भ्रमण पर, इस ग्राम को विचरण करने जा रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको पृथ्वी पर स्थित सबसे ज़्यादा वर्षा वाला गांव। लगभग 11,871 मिलीमीटर का, हमें हिंदी नहीं पता, अगर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलीमीटर को मिलीमीटर ही शायद हिंदी में बोलते हैं। गांव में पूरा टहल रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे, हेलो, बहुत ही डेवलप्ड है ये गांव और मोस्टली आपको पक्के मकान दिख जाएंगे। कारण ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और कच्चे मकान का इस बारिश में सरवाइव कर पाना अपने आप में एक चैलेंज हो जाएगा। तो लोगों ने जैसे तैसे सब ने अपने पक्के मकान जो है यहाँ पर बनवा लिए हैं, जबकि किसी भी प्रकार का एग्रीकल्चर यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, किसी भी प्रकार की खेती नहीं होती यहाँ पर। मोस्टली जो यहाँ पर आय का साधन है, यहाँ के लोग नौकरी करते हैं या फिर छोटा मोटा कोई बिजनेस करते हैं, अपना दुकानदारी चलाते हैं, या फिर इसके अलावा जो लेबर क्लास के वर्क होते हैं उनको करते हैं। ये जो आप पिकअप देख रहे हैं, ये पिकअप का मैं मॉडिफिकेशन आपको बताता हूँ। बहुत ही शानदार मॉडिफिकेशन हुआ है इसका। ये गाड़ी जो है ना, ये देखिए, ये है ऑल्टो। कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है, मतलब बिल पेमेंट के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा, मतलब 1, 2, 3, 4 इतना भी थोड़ा सा समझ एक दूसरे को नहीं आ पा रहा है, ना उनकी भाषा हमें ना हमारी भाषा उनको। तो बस जैसा तैसा हो गया, बिल पेमेंट हो गया। पर यहाँ पर लगी हैं बहुत सारी गाड़ियाँ, तो इन गाड़ियों से आप आसपास के जगहों में घूमने जा सकते हैं। बाकी ये गाड़ियाँ लोकल्स के द्वारा मेनली यूज़ की जाती हैं शिलोंग या फिर आगे सिटीज़ की ओर जाने के लिए। सो गाइस, आज हम लोग आ चुका है इधर केव में, मतलब ये केव दुनिया का मतलब सबसे लंबा ऐसा केव लिखा हुआ है। तो हम लोग जाएगा इधर, और इस केव का नाम है खेमपुरी केव, और इधर कुछ कुछ लिखा हुआ है। इधर बहुत सारा जोक सुना है मैं, जोक है इधर, जोक मतलब लीस होता है। तो ऐसा होएगा इधर, बाप रे, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर कुछ टिकट विकेट भी लगती होगी, लेकिन यहाँ पर फिलहाल कोई है ही नहीं। तो ये टाइमिंग है, और 9 बजे से 4:30 बजे तक बहुत ही ख़तरनाक रास्ता है, फिसलन भरा रास्ता है। लेकिन अपन जा के आगे देख रहे हैं कितना दूर तक है ये रास्ता। इनका जाना शुरू होने से पहले ही कैंसिल हो गया, जो कि मुझे पूर्वाभास था। पूछो ना कारण, वो आदमी वहाँ गिरते गिरते बचा है, पूरा स्लिप खा के बद से। ओ माय गॉड, मतलब और पूरा नीचे बहुत गहराई में है, और आंटी बोल रही थी कि बहुत गहरा है और पानी भी भर गया होगा केव में। ओ माय गॉड, अच्छा लेक चलते हैं। तो थोड़ी दूर आगे चलने का मैं प्रयास करता हूँ और दिखाता हूँ। अगर नहीं हो पाता है तो कैंसिल करेंगे गाइस, और फिलहाल कोई भी नहीं है यहाँ पर हम तीनों के अलावा। तो ये एक अलग लेवल का एडवेंचर हो रहा है मौसम सेंट्रम में। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं अगर बारिश के मौसम में नहीं आते हैं तो। तो फैसला कुछ ऐसा हुआ है कि अपन जाने वाले हैं लीच के खतरे को सामना करते हुए। तो भाई ऐसा कुछ है, नीचे बहुत ही खतरनाक, आप देख सकते हैं, फिर भी जा रहे हैं यार। मौसेंड्रम में आए और ये एडवेंचर नहीं किया तो क्या किया, मतलब हम भी इतना अभी फिक्स नहीं है कि जाएंगे नीचे, लेकिन जहाँ तक जा रहे हैं वहाँ तक आपको दिखा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं देंगे, मतलब चल ही रहे हैं। लगभग आधा घंटा हो चुका है हमको, और भाई नीचे यार वाह क्या व्यू दिखा है यहाँ से।
वो यहाँ से गोप्रो में जज ही नहीं कर रहा है। नीचे आपको कुछ लेयर दिख रही होगी, वो वाइट वाइट, वो है एक रिवर और बादल नीचे हैं। तो थोड़ा सा कोहरा छट गया है और कोहरा छट गया तो हम सोच रहे हैं आगे तक जाते हैं और मज़ा आता है। और आपको ऐसी अनखोजी जगहें या फिर जो मतलब बहुत ही लेस टूरिस्टिक है, ओह माय गॉड, बहुत ही लेस टूरिस्टिक जगहें हैं उनको दिखाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो पेड़ वेड़ यहाँ पर गिरा हुआ है फ़िलहाल और बारिश का मौसम है तो थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो रहा है। नॉर्मल जगहों पर तो सब लोग जा रहे हैं, हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ पर लोग कम जाते हैं, लेस टूरिस्टिक को, तो ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करें, लोगों तक पहुँचाएँ और दिखाएँ। भारत में ऐसी ऐसी जगहें हैं, सब कुछ है हाल। ये ऊपर से झरना टाइप का गिर रहा है कुछ और ओ भाई, यहाँ पर अंदर ही खोजने गया है कुछ। एक झरना बह रहा है, झरने के बाद एक गुफा है, जिस गुफा में क्या है हमें कुछ नहीं पता फिलहाल। सोचो अगर यहाँ से कोई लैंडस्लाइड हो के ये रास्ता बंद हो जाए, मैं अंदर रह जाऊँगा, तो वो मतलब हम लोग अंदर ही रह जाएंगे। चलो निकलते हैं यहाँ से। तो यहाँ से निकलते हैं भाई, इतना रिस्क नहीं लेंगे हम लोग। बाकी केव बहुत ही प्यारा है, बहुत ही रॉ है, बहुत ही अनटच्ड है। तो अब हम थोड़ी और आगे जा रहे हैं ताकि कुछ हमें दिख जाए, कुछ और केव्स हैं शायद यहाँ पर, तो अगर दिखते हैं तो हम आपको दिखाते हैं। एक अजीब सी फीलिंग है यार, एक ऐसा लग रहा है कुछ ढूंढ रहे हैं, डर भी है और ऐसे रास्ते भी हैं। तो चलो प्रयास करते हैं। भाई साहब हमने एक वाटरफॉल ढूंढ लिया, ऊपर से हमारे बारिश भी हो रही है, चल के दिखाते हैं यार। बहुत ही बेहतरीन वाला वाटरफॉल है गाइस, मतलब मज़ा आ रहा है, ये ऐसा लग रहा है कुछ हम लोग ढूंढ पा रहे हैं, तो ढूंढ पा रहे हैं तो आपको दिखाते भी हैं। चलिए ये जो आपको दिखा रहे हैं कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं यार, क्योंकि आपके कमेंट से हमें हौसला मिलता है और आगे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। तो बस ये है वाटरफॉल और थोड़ी सी और जाके आगे जाके मतलब इस वाटरफॉल को क्रॉस करते हैं हम लोग, देखते हैं कि और भी कुछ हमें मतलब दिख रहा है, ऐसा लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत है यार, बहुत ही खूबसूरत है। लो लाइट कंडीशन की वजह से आपको समझा नहीं पा रहे हैं लेकिन पैर हमारे कांप रहे हैं। ये वाटरफॉल तक पहुंचने में आपने जो एडवेंचर देखा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इसके आगे हम लोग नहीं जा रहे हैं। वीडियो को करते हैं यहीं पर क्लोज। अगर आप ऐसी एडवेंचर सीरीज़ हमारी देखना चाहते हैं मेघालय में तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि आपके लिए ऐसी खूबसूरत वीडियो आप लोग लाते रहें, हम लोग लाते रहें। करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।